बनाया, किसने मंत्री बनाया बिहार को ठगने के लिए? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है सुन बट्टा सन्नाटा। लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे, सौतेला व्यवहार कर रहे। अरे जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, जो शर्म नहीं आती है बेटा, तो माँ को भी ठगा, पिता को भी ठगा, और अपने भाइयों बहनों को भी ठगा, नाती पोता को भी ठगा, नतनी नातिन को भी ठगा। को ठगा गया है सुन बट्टा सन्नाटा। आप लोग जान रहे सुन बट्टा सन्नाटा? आप बताओ क्या मिला? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है। हम तो आपसे जानना चाहते क्या मिला। हम लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे, सौतेला व्यवहार कर रहे। पहले तो पता चलता था। अरे जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, जो शर्म नहीं आती है, क्या कर रहे हैं? किसने सांसद बनाया, किसने मंत्री बनाया बिहार को ठगने के लिए? विशेष राज्य का संचालन विशेष पैकेज कौन सा काम है जो बिहार के अलग से किया हो? बिहार का बेटा बताए थे एक समय में कि आपका बिहार आके कमिट किया गया, एक काम नहीं किया। आप नहीं जान रहे हैं कि 2022 तक पक्का मकान दे देंगे? मिला, आज उसकी बात हुई। ये बोल रहे थे 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे, किसानों पे बात हुई। और क्या ये लोग बोल रहे थे? सर खुद को बिहार का बेटा बता रहे थे चुनाव में कि बिहार का आपका बेटा है, दिल्ली में चौकन्ने है, कैसे देखते हैं? आपका बिहार का बेटा हूँ मैं, पीएम बोलते थे। बेटा है तो माँ को भी ठगा, पिता को भी ठगा, और अपने भाइयों बहनों को भी ठगा, नाती पोता को भी ठगा, नतनी नातिन को भी ठगा। वह क्या, ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके, जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता, वो जानते हैं। सबसे ज़्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। अब देखिए सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से तब जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है।